गाइज ये जोहान की पहली ट्रिप होने वाली है आफ्टर बर्थ। फाइनली जीशान और अबरेश भी आ चुके हैं, ले गया है इशू। कपड़े जो है वो जोहान को आ जाएंगे, पर जोहान को कुछ भी नहीं आ रहा गर्म कपड़ा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। फाइनली डेकोरेशन आप लोगों ने देखे, और आते साथ गाइस हमारे घर की हालत देखो क्या है। और गाइस मैं आप लोगों की जिसे मिलाना चाहता हूँ, तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं मजर और राहिला। गाइस ओ तो किस खुशी में आए हो तुम लोग यहाँ पर? आपकी खुशी में हूँ। हमारी खुशी में नहीं है झुट्टे। तो गाइस हम लोग फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं सारे दोस्त लोग फिर से मिलके। और गाइस ये जोहान की पहली ट्रिप होने वाली है आफ्टर बर्थ। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? यस वेरी मच। जोहान के साथ जाने के लिए बहुत बड़ा नसीब वाला तुम लोग, जोहान के साथ जाने मिल रहा है। अबे साले, अबे साले बोबड़े। और गाइस अभी बज चुके हैं 5। हम लोग जब भी सोचते हैं ना कि हमें कहीं ट्रिप पे जाना, जल्दी सो जाएंगे, कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जल्दी सो जाए। और गाइस मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो सरप्राइज गाइस क्या है, वो है ये गाइस, हमारी मिची आ चुकी है। माशाल्लाह अपने घर पे कितनी खुश हो गई है गाइस। वो ये मिर्ची गाइस मैं घर जाके लेकर आया, क्योंकि गाइस मम्मी लोग जा रहे थे, मम्मी लोग गए गुजरात ऑलरेडी। मैं उन लोग से मिला तो उन्होंने बोले कि हम लोग कल जा रहे गुजरात। बोला है तुमने बताया नहीं पहले तुम लोग गुजरात जा रहे? तो जब वो लोग गुजरात निकल गए तो मैं बोला चलो ठीक है, जाके मिर्ची में लेके आता अपने घर पे फाइनली। और निदा कैसा लग रहा तुम्हें मिर्ची को देख के यहाँ पर? मिर्ची को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? उसका हेड कितना डाउन हो गया है। कोई बात नहीं ना, आ जाएगा फिर से, कोई मसला थोड़ी है। एक सेकंड ना गाइस ये देखो गाइस जोहान फर्स्ट टाइम जो है वो गाइस ये वाला इग्नोर करना सीन, जोहान सामान है। माशाल्लाह देखो कितना अच्छा लग रहा है जोहान सोते हुए यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि ये जोहान की फर्स्ट ट्रिप होने वाली, और हम लोग जा रहे हैं लोनावला गाइस, जो कि हिल स्टेशन है और ऑलरेडी ठंडी है। तो अभी हम लोग जोहान के बॉम्बे में कपड़े ढूंढे कि कोई गर्म कपड़ा मिल जाए, पर हम लोग को गर्म कपड़ा नहीं मिला। तो अब कितना अच्छा गिफ्ट है ना, चलो हो गया ना काम फिर। तो ले हो तो क्या है, तो सही तुम्हारे पास सब तो है। निदा जबरदस्ती का बुमा बूम कर दिया तुमने, पूरा अक्खा बंबई छनवा दिया मेरे को, बोले के जाओ जाके ढूंढ कर जोहान के गर्म कपड़े। यहाँ पे भी इतनी ठंडी है, वो कांपने लग रहा है यहाँ पर ही, तो वहाँ पे जाके उसका क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा, जो होगा मंजूर है खुदा होगा, और क्या होगा। नहीं नहीं गर्म कपड़े अपन ले लेते, सेफर साइड के लिए बोल नहीं सकते, बच्चा है बहुत छोटा। वो बात भी सही है तुम्हारी, तो चलो ठीक है गर्म कपड़े ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेके जा रहे हैं जोहान को घुमाने के लिए, क्योंकि हम चाहते कि हमारा बच्चा घुमक्कड़ दिखे, जब घुमेड़ी निकले घुमेड़ी। क्योंकि गाइस जो बच्चे घर में रहते हैं पूरा पूरा टाइम, वो फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, नौशिया, डायरिया, चिड़चिड़पना होता है। तो उसके लिए हम लोग बोले कि इसको बचपन से पैदा होते ही घूमने फिरने की आदत डालेंगे, ताकि हम लोग कहीं भी जाए इसको कोई तकलीफ ना हो। तो नीता अभी सामान जो पैकिंग करना है, मैं तो बोलता हूँ कि छोटे वाले बैग में करते, बट ये बोलती है कि बड़े वाले बैग में करते। क्यों बड़े वाले बैग में करते? क्योंकि बोलती जोहान का पैंपर है, जोहान का दूध की बॉटल है, जोहान का गर्म कपड़े है, जोहान के सॉक्स है, जोहान के हैंड के वो है, जोहान की टोपियां है, जोहान के अलग अलग तरीके के कपड़े है, जोहान के कंबल्स है, सुलाने का तकिया है जोहान का। माँ कसम गाइस एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, माशाल्लाह हम लोगों की जिंदगी कितनी अलग हो गई है गाइस। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 जोड़ी कपड़े में चलता हूँ, 2 दिन रुकेंगे आ जाएंगे चुपचाप, बट जोहान के लिए अलग से चीजें करनी पड़ी। बेटा तुम्हारे लिए पहले ये लेना पड़ता था, आज तुम्हारा तुम्हारी औलाद है। सही बात है, बाप पे ही आएगा ना आखिर में, बात तो सही है। और गाइस यहाँ पे मदर सोने की एक्टिंग कर रहा है, बोले मेरे को ब्लॉग में दिखा, मैं सो रहा था, देर तक जागता नहीं हूँ। तू कब खुशखबरी सुना रहा भाई? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बहुत जल्द, खैर से कल से खैर से अच्छा मैं बोला कल से खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह गाड़ी चलाने का, गुड नाइट। तू झूठे गाड़ी चलाएगा साले, इसने गाइस जान मुझ के अपनी गाड़ी नहीं लाया, बोले कि बोलते मेरे को बोलता गाड़ी नहीं मेरे पास, मतलब झूठ में बोलता हूँ गाड़ी चलाना नहीं, इसके लिए तू बोला तू गाड़ी नहीं लाया, झूठा है। स्लीपिंग नाउ, गुड नाइट, बाय बाय। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने शोहर को वहाँ देखो एक्टिंग कर रहा है, उधर वो देखो उधर कैसा एक्टिंग कर रहा सोने की, बोलता व्लॉग में दिखा मैं सो रहा हूँ। हाँ इग्नोर करो गाइस, हम लोग सब परेशान है गाइस इससे, मदर से क्या बोलेंगे हम लोग, जबरदस्ती हमारे गले पड़ गया ये। अभी भी एक्टिंग। तो तुम राहिला क्या हेल्प करने बैठे हो? Yes. तो करो ना, बैठे क्यों तो बताएंगे। लिटरली हम लोगों को जोहान के सारे कपड़े सेट करने हैं, हम लोगों ने जो कबाड़ लिए उसी की वजह से कबाड़ लिए गाइस। ये देखो कितने सारे कपड़े यहाँ पर जोहान के, सब हमें सेट करना है एक दिन। सो गाइस फाइनली हम लोगों की पैकिंग अब जाके हुई है प्रॉपर 2 घंटे बाद। तो गाइस ये रहा हमारा सामान, इसके अंदर जोहान के पूरा सामान है, देखो गाइस इसके अंदर निदा का सामान है पूरा। निदा तुम्हारा पूरा सामान ले लिया तुमने, तो क्या बचा है क्या? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबार, मैं जबार, पहली बार जोहान के लिए पैकिंग कर रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कुछ ना कुछ छूट नहीं जाए,
स्ट्रेस हो रहा है। नहीं छूट गया तो वहाँ से खरीद लेंगे, इसमें क्या है पूरा। अरे मेरा भारत महान, सब कुछ मिलता है इंडिया में बेटा, सब मिलता है। तो क्या है लोना, आप लोगों को क्या समझ रही है, गाँव वो समझ रही है, बच्चों के कपड़े। हाँ उधर बच्चे पैदा नहीं होते। देखो तो यार नीता कैसी बात कर दो, वहाँ के लोग क्या बम्बई आते खरीदने के लिए, इतना पैसा थोड़ी हर किसी के पास जो ट्रैवल करके आए। इतने बड़े बड़े मॉल है वहाँ पर, कुछ नहीं। जोहान के लिए बेटा मैं क्या बोलते उसको, दूसरे देश में चले जाऊँ। हाँ बात करिए, देखो तो गाइस यहाँ पे ये मेरे कपड़े हैं, मैं सुबह डिसाइड करूंगा मुझे क्या पहनना है। गाइस यू नो थोड़ा बाप बन गए, थोड़ा बाप बन गए, ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है ना गाइस। और जोहान यहाँ पे सो रहा है गाइस, और इसके अंदर पता नहीं, और इसके अंदर गाइस जोहान के स्टेबलाइजर का सामान और दवाइयों का सामान आएगा गाइस, ये वाला बैग भी इसके अंदर आएगा। फाइनली कुछ तो हुआ है हमारे साथ में, पैकिंग वैकिंग क्या है अभी। तो एनी चांस ब्राउन पहनने वाले हो सकता है, मे बी, कुछ कंफर्म नहीं है। मे बी ब्राउन पहनने वाले, तो फिर मैं ब्राउन नहीं पहन रहा, मैं दूसरा पहन रहा हूं। मे बी ब्राउन पहन रहा है। नहीं तो देखते हैं, चलो ब्राउन ब्राउन फैमिली। हां हां 2 घंटे बाद सो के उठे फिर देखते हैं गाइस, मिलते हैं आपको सुबह में। सो गाइस फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, हम लोग उठ चुके हैं। और गाइस आप लोग गेस करो कि यहाँ पे कौन आया है गाइस। और गाइस अगर आप लोग देख सकते हो ये बंडाना मैंने लिया हूँ आरती के टॉप में से निकाल के। ये बंडाना है, मुझे लगा टाट है। ये टॉप में से निकाल के, ये अक्का टॉप, ये अक्का टॉप है गाइस, ये आरती का टॉप है जो कि इतना सी है मेरे सर के बंडाना के माफक, और ये आरती पहनने वाली है। गाइस आप लोग कसम से यार, गाइस अंडर 9 लेयर्स के उसमें जाती है। थोड़े दिन में जोहान को भी अपने कपड़े पहनाऊं। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो रहे ट्रिप पे जाने के लिए। मैं तो हम लोग बंदा हूं जो रेडी हूं। ना नहीं तू स्मार्ट दिख रहा है सामान, लेकिन आज बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। कौन सा ऑफिस जा रहे हो भाई? क्या ऑफिस, बस स्टडी करती देखो तुम्हारी। फाइनली हम लोग सब हो चुके हैं रेडी, बस निधा रेडी होने बाकी है, क्योंकि गाइस सबसे पहले वो जोहान को रेडी कर रही थी, उसके बाद वो खुद रेडी होने गए। और यहाँ पर गाइस देखो ये मेरा चश्मा चोरी करके ये लोग खुद का चश्मा भूल गए, अंधी दिख रही, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और गाइस यहाँ पे आरती चाय पी रही है, हमारी भी चाय गाइस यहाँ पर आ गई है। अरसलान भाई भी अंदर चाय ले रहे हैं खुद की, अभी हम लोग चाय पियेंगे, ईशान लोग आएंगे थोड़ा यहाँ पर बैठेंगे 2 मिनट के लिए, ऑलरेडी हम लोग को लेट हो चुका है, फिर यहाँ से निकलेंगे और फिर आप लोग को बताएंगे पूरे दिन में। हाँ कुछ भी यहाँ बैठ दिख नहीं, रेडी बैठा हूँ मैं यहाँ पर, दिख रहा नहीं है, मैं भी रेडी हूँ। हाँ जो लेट आता है समझ लेना बात, अराइव लेट रेदर देन अगली। ओ हो 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 एकदम गलत इंग्लिश बोली, एकदम गलत इंग्लिश बोली इसने, बोल दो कौन है जो हमेशा लेट आती है। फाइनली ईशान और अवरेश भी आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अवरेश नहीं, पहले मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा तुमको मैंने फोन पे मुबारकबाद दिया, तुमको रियली में नहीं दिया मुबारकबाद, वेलकम भी तुमको वीडियो में वो नहीं बोला, तुम आए थे लेकिन घर पे लोगों को पता नहीं है, अवरेश भाई घर पे आए थे वो टाइम पे हम लोग वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि हर बार मिलो तो वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, समझे, लोगों को गलत फहमी हो जाती है, इग्नोर करो, बाकी माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम टू द क्लब, बहुत ज्यादा खुश, बहुत मजा आएगी। हमेशा हम लोग सोचते थे कि अरे यार जाएंगे तो ये लोग सिंगल है, ये लोग कैसा सोएंगे, रूम नहीं देते थे, रूम नहीं देते थे, आप इन लोग के रूम मांग के लेंगे, तुम लोग पुराने शादीशुदा हो नए शादीशुदा हो जाएंगे तो तुम बोले तुम लोग हॉल में रहो। रूम नहीं देते थे, रूम नहीं देते थे, अभी भी नहीं मिलेगा तुम्हारे को, इसको मिलेगा खाली, बात हो गया, मैं वेट कर लूंगा लेकिन मेरा भाई को तो मिलेगा, मैं घर के बाहर सोता हूँ, तुम्हारी जगह पूल में है। हमारी भाई ये खा सकते हैं क्या? हाँ खाओ ना बिंदा, बस क्या तुम्हारे रखा तुम्हारे खाने के लिए निकाल के दे तो मतलब तुमको खत्म करना, दो जन में खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मोमोज के लिए थोड़ी जगह रखा, थोड़ा सी खाया, नहीं नहीं भाई रोटी भी खा लो ना भाई, अरे खा बेटा खा, अंडा खा सकते हो ना, नहीं मस्का नहीं, ऑलिव ऑयल में, ऑलिव ऑयल का। तो गाइस देखो घूमने ऐसा निकलो पूरी लिफ्ट ही कवर कर लो, जगह ही नहीं यहाँ पर, आपको आएगा अभी तो जगह नहीं रुकी, लिफ्ट रुकी गाइस देखो लिफ्ट रुकी है। सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लोनावला के लिए, जोहान की पहली ट्रिप है गाइस, तो आर यू गाइस एक्साइटेड?
गाइस बहुत मजा आने वाली है दोस्तों के साथ में, बहुत एंजॉय करने वाले, रोड ट्रिप भी एंजॉय करेंगे और वहां जाके विला भी एंजॉय करेंगे और आप लोगों को विला का टूर भी कराएंगे कि विला हम लोगों ने कौन सा बुक की है, कितना बीएचके और वहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो निकलते हैं लोनावला और निदा ने मस्त अपना जोहान के लिए फुल प्रोडक्शन रोटेशन कर ली, बोले कभी जोहान को भूख भूख लगी तो बोले सेफ साइड रहना चाहिए हम लोगों को। और जोहान को धूप भी बहुत ज्यादा आ रही है, उसको हीट हो जा रही है, हम लोगों ने कहा उसको ठंडी के लिए प्रिपेयर यहीं से करके जा रहे। तो गाइस अब लेकिन गर्मी बहुत है दिन में, तो दिन में अभी वो गर्मी वाला जो सामान है ठंडी का वो भी बहुत भारी पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सनशेड वनशेड लगा दिए, सनरूफ भी बंद कर दिए, वरना हम लोग सनरूफ बंद करके घूमते ही नहीं है कभी। ठीक है तो चलो चलते हैं लोनावला, पहले भैंस को भूख लगी है तो पहले भैंस को चारा खिलाएंगे अभी थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे थोड़ा। जब जब लोग लोनावला जाते हैं तो फूड कोर्ट पे रुकते हैं, हमारा सस्ता फूड कोर्ट का हिरानंदा नहीं है, हम लोग जब भी आते हैं मतलब सस्ता नहीं है, अपने घर से नजदीक है ना तो हम यहीं से खा के निकलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्ता? ओ रिच बॉय। फाइनली जैसा तैसा करके हम लोग विला पहुंच चुके हैं और गाइज निदा देखो अपने ब्रांड का कपड़ा पहन के, ये जूता पहनी थी इसने लेकिन इसका पैर सूज गया तो चप्पल में आ गई। तो गाइज पहली बार जोहान आया है घूमने के लिए। हाँ तो निदा जोहान की एंट्री अपन अच्छे से करेंगे, पहली बार जब पहली बार कहीं पर घूमने आए तो ठीक है, ऐसा बोलते है कि बच्चे लोग जब पहली बार घर में जाते तो सर पे तेल लगाते, तो यहाँ पर सर पे तेल नहीं है, हमारा तेल निकल गया है। चलो अभी भी मैं ब्रांड की बात कर रही थी फोन पे। कोई बात नहीं, चलो जोहान की एंट्री मैं करता हूँ, पहले मेरे को अंदर जान दो। गाइस देखो ये अंदर का विला है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो कम ऑन। टन 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 वो वाला है क्या? कोई बात नहीं, चलो चलो ये वाला। ओहो गाइस देखो ये वाला विला है हमारा, मस्त यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलेंगे हम लोग। बच्चे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे अपन? बॉल बाहर चलाएगा तो शॉर्ट हो जाएंगे यार। अरे बॉल बाहर छोड़ो, एक आधे कांच पे पड़ गए तो उसका क्या करेंगे? जो भरा वो भर चुक, जो भरा वो भर चुक, अभी जो भरा वो भर चुक। नहीं आता है। हाँ मेरे को तो खेलने ही नहीं आता। हाँ सुहान को जान दो ना, विला में एंट्री होगी, टेंशन नहीं है। हम लोग आ चुके हैं रूम में और मैं आप लोग को रूम दिखाता हूँ, मतलब मैं आप लोग को पूरा विला दिखाता हूँ सबसे पहले कि विला क्या क्या है विला में। हाँ लाइट क्यों नहीं चालू हुई है? नीचे की लाइट चालू। जोहान क्या बोलता है? जोहान को मजा आ रही है, जोहान को तो अभी भूख लगी है। भूख लगी है, कोई बात नहीं, जोहान खाएगा उसके बाद जोहान मजे करेगा। तब तक गाइस मैं आप लोगों को विला टूर कराता हूँ। नीचे भी गाइस देखो व्लॉग चल रहा है देखो। सो गाइस फाइनली अब जाके मैं आप लोग को जरा दिखाता हूँ कि हमने कौन सा विला बुक किया। पहले यहाँ से बाराती लोग चले जाए, चलो फटाफट चलो। देखो ये गाइस सिंगल होने का दुख, खुद का सामान खुद उठाना पड़ता है। चलो तो गाइस देखो सबसे पहले तो दो विला है, ये 6 BHK है और ये 4 BHK। तो हम लोगों ने 4 BHK लिए क्योंकि गाइस हम लोग 3 कपल है और 4 सिंगल है, सॉरी 3 सिंगल है, मतलब आए 4 सिंगल है, तो उस हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे, देखेंगे क्या है। गाइस देखो ये है पूरा प्ले एरिया जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। जोहान को छोड़ देंगे रस्ते में खेलने के लिए, जोहान भागम थोड़ी करा, गिरेगा पड़ेगा, टेंशन नहीं लगा रहे, सॉरी मैं तो भूल गया, तो चल नहीं सकते, बच्चा अभी न्यू बॉर्न है। देखो ना मजा रहेगा ऊपर, देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? एसी नहीं चल रहा, एसी लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट नहीं है पागल, ऊपर बटन दबा रहा, ऊपर लाइट ही नहीं है। गाइस देखो मस्त विला, एक नंबर लग रहा है, पहली बार को अच्छा विला सिलेक्शन किया हम लोग ने। यहाँ पर गाइस देखो मस्त सिटिंग एरिया भी है, बैठ के चिल विल करेंगे, इधर हम लोग खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। और ये क्या गाइस आरती भी लटकी हुई यहाँ पर, ओ माय गॉड। तो ये मालूम क्या, ये जो अपन ने इतने घास करोड़ों रुपए की घास लाया, इसके अंदर काली क्यों है? क्यों है बताओ? क्योंकि काले पैसे की है ये, नहीं बात कौन है, कौन टुचकी दे रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। कौन टुचकी दे रहा है तुम्हारा? कौन कुत्ता भौंक रहा है? कौन ललचा रहा? कौन बिस्किट फेंक रहा है? ये लगवाए हैं ये, हां जोहान के लिए ना कुर्सियां भी। अब हम लोग ने स्पेशली युगांडा से 2 झूले मंगाए, युगांडा से गांडे ने युगांडा से मंगाया। जन मैं क्या बोलता हूँ, ये जो खाली खाली जगह जो पड़ी है मैं तो ये भी खरीद लेते हैं, ये दे देते ना किसी को लेके। किसको देंगे अब, कोई अपना इतना अमीर है नहीं अपने जितना, दे देता हूँ खरीद क्या ही गई मेरे को, नहीं तुम रखो तुम। अरे बस क्या मेरी बंगला गिफ्ट, चलो बहुत बहुत शुक्रिया जवान, याद रखेगा तुमको जिंदगी भर। बस मेरी बेटियों को शादी कराना। गाइस यहाँ पर पूल है बच्ची, पूल में आके अपन नाचेंगे। सोने का पानी है भाई, सोने का पानी चढ़ा के पिया हुई पूरी से नहीं। तो जो कभी तुमने सुने वो छिपकली गिरती है कान पे तो सोने का पानी डालना पड़ता है, उसको भी तो सोने का पानी बोलते हैं। मैंने ऐसा सोना ऐसा डाला वो होगा सोने का पानी। एक नंबर बच्ची, एक नंबर। यही मैं सबसे ढूंढ रहा था कि तुम किधर थे, तुम मेरे को मिल नहीं रहे थे, समझे? साफ कर रहे हैं ना अभी, हाँ ये सोने का कचरा निकाल रहे, सोने में जंग लग गया, जंग लग गया, जंग निकाल रहे। बच्ची यहाँ पर बैठ के अपन मस्त खाना वाना खाएंगे पूल के अंदर, मीटिंग के लिए भाई। ये देखो दस बैठ जाएंगे ना फिर भी नहीं टूटेगा। अबे लेकिन संडास ऊपर है, यहाँ क्यों बैठ रहा है? क्या कहाँ लेके जा रहा है? बैठो भाई, मजर भाई ने ना अपना चैनल बनाया जब से सटिया खेला। बैठो तो सही यार, बैठो तुम्हें दोनों बैठो, ये बच्चे के लिए बनवा।
आया हूँ मैं, लिए तो मंगाया तुम्हारे पीछे, वो भाई के बच्चे के लिए बहुत छोटा है, जब तक तुम लोग एंजॉय करो आ जाओ। ट्राई तो करो, दिस इज नॉट अ माय टाइप ब्रो। दोनों दोनों ये नहीं, ये कपल टॉयलेट सीट है, तो कपल आमने सामने बैठो, हाथ पकड़ो, हगो। हाँ देखो देखो ऐसा देखो, हाँ देखो देखो, बैठ मदर बैठ जल्दी, आप चाहना है समझ गया, बैठना बैठना, लेंडी उधर ढूंढ रहे, सोने का पानी गलत मत बोल, उसमें सोना है। तो गाइस यहाँ पे मस्त हॉल है, यहाँ पर आरती सोने वाली रात भर, आरती आई। तो गाइस अभी आरती का बहुत बड़ा स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाला, कौन जा रहा है वो साथ में ये सब भी कर, एक बार आरती, एक बार करना, एक बार बोलती नहीं, एक बार एक बार लामी चमकी, ये बराबर आवाज निकालते हैं, और भाई की बात है मेरी दोस्त का, आवाज निकालूंगा ही ना, आवाज निकाल सकते हैं अरसलान भाई, हम लोग क्या नहीं निकाल सकता आरती की ऐसी आवाज, सही बात है, सही बात है। अबे पत्थर का बाट, अबे जकूजी में से पानी निकलता है, यू गरीब पीपल, तभी सिंगल है, और बोली गिफ्ट कर रही है, तभी सिंगल है। इतना बड़ा बाथरूम मुंबई में होता तो घर होता है, इतना बड़े तो घर अपने आप, नवी मुंबई में तो इतनी तो बालकनी होती है, वही तो बोल। हाँ ये बात भी सही है बच्ची, एक नंबर हाथ के, नवी मुंबई वन साइड, लेकिन आपके बाल का है, बाल इसके बाल कमी है, यहाँ पे सब सेलिब्रिटीज की फोटो लगी, जहाँ पे हमारी भी फोटो मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोग को, ए मेरी फोटो देखो वाली, अरे गाइस वो ऊपर है, ये देखो ये छप गई, छप गई मेरी चुपा, ये अपनी ऊपर है, देखो चारों की, ये अपन चारों की ऊपर है, बीच पे लगी है, बताना नहीं किसी को, क्या मेरी आप। तो गाइस यहां पे निदा है जोहान के साथ, तो हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है, ये है रेड वाला, एओ मदर सो रहा है ऊपर, भाई तुम लोग दो लोग हो, तो मैं तो अकेली हूं, तो क्या हो रहा है, आरती कब्जा करना ही है, बट यहाँ पे तो स्कार्फ रखा निशानी के लिए, लड़ो लड़ो यहाँ लड़ोगे गाइस, रूम के लिए हो गई लड़ाई, मैंने चाइना के पेपर अंदर डाल आ जाओ, इसका बैग जैसी लाते नीचे छोड़ गया, जो फिक्स हो गए फिक्स हो गए। मैंने शायद आप लोगों को रूम बताया कि नहीं बताया, पता नहीं गाइस, देखो एक ये रूम है, मतलब गाइस ये विला में ना लोग ने बाहर अच्छा खर्चा किया, अंदर अच्छा खर्चा नहीं किया, बट ठीक है ना, अंदर का किसको, अंदर इंसान खाली सोने ही जाता, वैसे भी और क्या ही करने जाता, ये वाला रूम ज्यादा अच्छा है गाइस, मुझे ये वाला रूम चाहिए था, बट निदा ने ऑलरेडी वो वाला रूम ले ली, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से ना गाइस पूरा क्लियर व्यू है, जितने भी लोग यहाँ खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे सब दिखेगा, तो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब हम लोग कर लेंगे। ये देखो ऑटोमेटिक हो रहा है, ये देखो अंदर कोई नहीं है, आवाज भी आ रही है, माँ कसम मेरी फट रही है गाइस, मेरी फट रही है लिटरली, आवाज आ रही है, निदा को नहीं बताऊंगा मैं। निदा लेकिन तुमको ये वाला रूम कौन लेने बोला, क्यों, बाजू वाला रूम कितना अच्छा है यार, बाजू वाले रूम में पूरा क्लियर व्यू नीचे का दिखता है, तुमने पूरा कोने का रूम ले लिए, अरे यार अभी मेरे को सीढ़ी से नजदीक जो रूम मिला वही ले ली, फट फौरन नीचे उतरना फौरन ऊपर चढ़ना, बच्चे वाली हूँ मैं अभी, I am not single now. मैं हूँ ना, तुमको कौन सा, देखो तो और गाइस किया गया हाईफाई नहीं, क्या बोले चल निकल बोला। तो गाइस यहाँ पे हो गया है इशू, हम लोग सोच के आए थे कि यहाँ पे जोहान को जो है वो कपड़े मिल जाएंगे, मतलब कपड़े जो है वो जोहान को आ जाएंगे, पर जोहान को कुछ भी नहीं आ रहा गर्म कपड़ा, अब खाली उसको रैप करके ही घूमना पड़ेगा पूरा टाइम, कोई बात नहीं, सुफियान तुमको बोली थी बच्चे का पहले ले लेते, अरे तुम नहीं मिला तो क्या करूँ मैं, सब डेडा की गलती है बेटा, हाँ डेडा की गलती, देखो गाइस उन्होंने खिलौना लेके आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हिट द बेल आइकन गाइस, लव यू, अल्लाह हाफिज़।